बेटा, तुम गॉड के बताए रास्ते से बहुत दूर चले गए हो। सबको तुम्हारी दहशत है। तुम ऐसे कैसे बन गए? इसे कन्फेशन ना समझता, सब कुछ खुलकर बता दो। मैं हूं डॉन, डॉन बॉस्को। ये मेरे 8365 दिनों के जीवन की सच्चाई है। गलियों में जन्मे, गलियों में ही मिट गए। गलियों के बादशाह थे मेरे पिता। सनसनाती खबरें। कल रात पुलिस ने कोचीन सिटी पर गुंडों पर धावा बोल दिया, जिसमें खतरनाक गुंडा सैटन मारा गया। मरे जाने वाले सैटन पे कई क्रिमिनल केस दर्ज थे। उसने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की और ट्रैक पर गिरने की वजह से ट्रेन के नीचे कुचला गया। सीआई स्टीफन, जो उसका पीछा कर रहे थे, ट्रेन के धक्के से मारे गए। इन्हीं रेलवे ट्रैक्स पर सैटन ने तुम्हारे मासूम पिता की हत्या की थी। ये सैटन कौन था? तुम्हें अभी ये जानना जरूरी नहीं है, अभी तुम छोटे हो। चिंगारी अगर सुलगती है तो उसे बुझाना मुश्किल होता है अब्बाजी। उसे हवा देनी चाहिए ताकि गोली चलाते हाथ न कांपे। इनके हाथ बेरहमी से गला काटे। मैं इन्हें ये सब कला सिखाऊंगा। उस दिन ये अपने पिता के खून का बदला लेंगे। ये अपने पिता का बदला लेंगे उसे मारने वालों से बदला लेके। तभी मैं इसराइल लौटूंगा। देख लेना, दोनों के बच्चों में बहुत खून खराबा होगा। एक महायुद्ध होगा। चारों मजबूत बीज दिखते हैं। ये असुर बीज हैं। लॉन्ग सेना, दो दिन से एंजल कुट्टी दिखाई नहीं दे रहा। कुट्टी को खत्म करना है, अब्बाजी का ऑर्डर है। और उस वल्लर पदम ऋतु को भी, समझे ना? याद रहे। खूनी मुझे खामोश करने के लिए तलाश कर रहे थे। मुझे बचाने के लिए मेरी माँ ने मुझे ऑर्फिनेज के सामने छोड़ दिया। वो फादर अंबर थे, वो मेरे पालक भी बन गए और गुरु भी। ये गलियों के बादशाह का बेटा है, इसलिए इसका खून औरों से ज्यादा गर्म होगा। जैसे जैसे इसके हाथ बढ़े, इसकी ताकत भी बढ़ी और उम्र के साथ इसकी हिम्मत भी। मेरा लक्ष्य था कि ये अपने पिता की तरह गुंडा ना बने, इसीलिए इसकी परवरिश ऐसी जगह होनी चाहिए जहां इसके लिए इसका अतीत हमेशा अजनबी रहे। मैं मेरे बेटे को एक प्रीस्ट बनाऊंगा जो जीवन और लोगों से प्रेम करेगा। उस दिन से मैं एक अनाथ की तरह पला, उसी की छाया में मैं बड़ा हुआ। ये असुर बीज बन पा। ये है मलयाल तुर्त। इसके काले पानी पर सूरज उगते ही माटी की सर्विस बोट आ जाती है हमें नदी के उस पार ले जाने के लिए। ये है माटी, ये मालिक और कंडक्टर है इस बोट की। अपनी तीखी पेंसिल से वो काफी अच्छी ड्राइंग बना लेती है और अपनी पेंटिंग्स को ले जाकर आर्ट गैलरी को बेच देती है। ये इसकी साइड इनकम है। ये पहली और आखिरी लड़की है जिसने आज तक मुझसे प्यार किया है।
ये है मलयाल तुरुत सेमिनरी। ये यकीन की एक इमारत है जहां हमें गिरजाघर की घंटियां और मधुर महक मिलती है। अपनी पढ़ाई पे जरा ध्यान दो। आज लेट हो गए टीचर। माटी की बोर्ड से ही तो आई हूँ। सही कहा। मैसी, मेहुल, सक्कर, जॉन और आनंद, हम सब दोस्त हैं। कामाचेरी पॉलिटेक्निक में हम सेकेंड ईयर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं। आग की गर्म चिंगारियां मुझे कभी नहीं छू पाई। इससे ज्यादा तेज आग तो मेरे दिल में जल रही थी। जिंदा चला दिया और उसकी सहेली को अगवा कर लिया। किसके? हमारे दोस्तों के। अब तू मुझे नहीं जानता, मैं इसे मार दूंगा। फ्रांसिस, प्रथम कलम के नए मेंबर हो ना। इसकी जान मेरे ट्रिगर पर है, आगे मत बढ़ो। मैं तुम्हें पीछे हटने के लिए आधा मिनट देता हूँ। मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हें मारने के लिए। बढ़ते हुए गुंडों का अत्याचार का जवाब, पुलिस ने आज 3 गुंडों को उड़ा दिया। प्रथम कलम फ्रांसिस पुलिस की गोली से मारा गया। अच्छा हुआ, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। आज बोट आएगी कि नहीं? द्रविड़ की सेंचुरी नंदरी का केस भटकाने के लिए है। ये तो हमारे दोस्त हैं। इंस्टीट्यूट तक लिफ्ट मिल जाए तो अच्छा है। लिफ्ट ब्रदर, लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। ठीक है, थैंक यू भाई। मुझे तुम लोग जल्दी आना। तुम्हें डॉन से कुछ सीखना चाहिए। उसका कोई नहीं नदी के पार बोट से यहाँ पढ़ने आता है। सुबह तुम घर से निकलते हो पढ़ाई के नाम से और फिल्में देखते हो या मस्तियाँ करते रहते हो। अगर विद्या हासिल करने आए हो तो तुम्हें पढ़ना चाहिए, वरना तुम्हारी जिंदगी यूं ही टाइम पास करते निकल जाएगी। मुझे पता है मेरी बातों से तुम पर कोई असर नहीं। डॉन, ये तुमने क्या किया? क्या अव्वल नंबर आने का तुम्हें घमंड हो गया है? मेरे आसपास बहुत कुछ गलत हो रहा था, कुछ तो करना था मुझे। शहर में मिलने वाली बुरी खबरें, मेरे खून को सुखाने वाली उन बदनसीबों की आवाजें, चल
लड़की है, निकल लिए देर हो जाएगी। हाँ अरे इधर आ इधर आ, डॉन संभल कर। उतरो उतरो जल्दी उतरो। आइए आराम से। मेरा बेटा फादर जी। क्या है? क्या 100% मार्क्स और कप्स जीतना ही एग्जाम में सब कुछ होता है? फैमिली वैमिली भी तो जरूरी होती है। गॉड, आज तो फादर से डांट जरूर पड़ेगी। 5:30 बज गए, आज इतनी देर क्यों हो गई? वो बोट लेट हो गई फादर। और ये बर्तन किस चर्च से चुराया है? ये कोई बर्तन नहीं है फादर, ट्रॉफी है मुझे मिली। हाँ, जाओ जाओ किचन में पिक पक के तैयार है, जल्दी जाओ और खाओ। जाओ ऐसे भाग रहे जैसे किचन भाग चला जाएगा, आराम से जाओ। देखा गिर गया ना, किताबें भी गिरा दी। ये क्या है? अरे मर गए, सारा माल हाथ में गया। ब्रदर, इनमें से गुनहगार कौन है? ये वो फादर, ये वो सिस्टर नैना है जो 10वीं सदी में इटली में रहती थी। क्या इन्हें नन बनाया था? फादर केनेडी, छोटे पिल्ले, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझे फादर केनेडी मत बुलाया कर, मैं फादर मुल्लू परिकल हूँ, समझा ना? हाँ, ये सब ब्लेस्ड है, लो पकड़ो इसे, इसे पकड़ो, पकड़ो जल्दी, लो लो जाओ जाओ। साइलेंस। ये क्या है? सर मेरी नहीं है, ये डॉन की। ये है क्या? ये बोट वाली माटी ही है ना? नहीं। डॉन कम टू द ऑफिस। सॉरी डॉन। आजकल के रोमियो लड़कियों के पीछे मंडराते रहते हैं जैसे ताड़ी के पीछे मक्खी। समय हो गया, हमें अपनी लड़की की शादी कर देनी चाहिए। सुन, उससे मत कहना मैंने कहा है, प्यार से बात करना, झगड़ना नहीं है। जरा सी बारिश होने की बिजली गई, बाकियों के घर में तो बिजली है, हमारे यहाँ क्यों नहीं है? मुझे पता नहीं, ये जगह दूसरी जगहों से बहुत अलग है। अच्छा, इसका मतलब इस बार भी जो बिल के पैसे दिए वो तुमने शराब में उड़ा दिए। ये डेनिस ही तुम्हें बिगाड़ रहा है। ये अभी 17 साल का ही है ना जो मैं इसे बिगाड़ रहा हूँ, मैं ही गलत हूँ। मैं तो पहले से ही बिगड़ा हूँ, लेकिन तुम इस घर को बदनाम करने पे क्यों तुली हो, बताओ मुझे। हमें अपनी लड़की की फिक्र करनी चाहिए। मैं तो सौतेला पीता हूँ, वो मुझसे तो डरती नहीं है। उसकी माँ की बोट है ना, बस उसे ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी शादी कर ही देनी चाहिए। सब मेरी शादी करवाने की जल्दी में है, तुम्हारा क्या ख्याल है? माय गॉड, तुम तो सच में हैंडसम हो, हमारी जोड़ी जैसे मेड इन हेवन होगी। एंजल्स हमारे हाउस को ब्लेस करने के लिए इस धरती पे आएंगे डॉन। आज का लंच हेवी था। May God's praise be forever। उसकी दया सदा बनी रहे। हाय,
ये सिस्टर मेरी का फोटो बहुत सुंदर लग रहा है, चलो इसे आराम से लेकर चलते। हाँ धीरे धीरे चलना, फिक्र मत करो। ये तुम्हारे गले में क्या है? देखो तो देखो तो देखो तो। मिर्चियों का हार, मैंने गलती की है, आइंदा कभी नहीं करूंगा। जीसस, तुम भी गलतियां करते हो डॉन। मजाक उड़ाना बंद करो, मुझे सजा मिली है आज सुबह। हमें यहाँ सिखाया जाता है कि नियमों से बढ़कर कुछ नहीं होता। ठीक है, मैं छोटे फादर का मजाक नहीं उड़ाऊंगी, पर क्या करो, दिल है कि मानता ही नहीं। मेरा दिल जवान है, मेरा प्यार दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सॉन्ग्स ऑफ सोलमन। अच्छा तो बाइबल में लव का चैप्टर भी है। वाह क्या नई फिलॉसफी है, पर अपनी फीलिंग सबके सामने जाहिर मत करना। पर प्यार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है डॉन? सिर्फ बाइबल की बातें समझते हो या मेरे दिल की बातें भी समझते हो? बस करो ना। एक फॉरेनर ने मेरी दो पेंटिंग्स खरीदी है, जिसकी वजह से मैं बोर्ड की किश्त दे पाई, और ये गिफ्ट बाकी के बचे पैसों से लिए। अब ये क्या है? सॉन्ग्स ऑफ सोलमन, तुम्हारे लिए। इसे जरूर पढ़ना। हाँ डॉन, तुम इतने गुस्सैल क्यों हो? बाइबल में तो क्रोध को गलत बताया गया है। मुझे नहीं लगता तुम कभी फादर बन पाओगे। तुम मेरे बच्चों के फादर बन जाओ। डॉन, ये ना जेल है, विश्वासों का जेल, और तुम यहाँ पर कैदी हो। तुम यहाँ से भाग जाओगे, मुझे पूरा भरोसा। ये शैतान है, ये शैतान है, इसे माफ कर देना, ये पापी है। ये मन ही मन कोसना बंद करो। अगर बुरा भला कहना चाहती हो तो मुझे देखकर कहो। रेकरी चरण ने तुम्हें बुलाया है, ये मुझे दे दो। ये एक सेमिनरी है, जानती नहीं हो क्या? ये खुद के पास ही रख लो। जीसस, मेरी बेटी की रक्षा करना। डॉन, तुम्हें बिशप के घर जाना होगा, हमारे प्रोक्रेटर फादर तुम्हें पैसे देंगे। हाँ। तुम वो मेरे पास ले आना और संभाल कर आना। जी। रात को आने की जरूरत नहीं, कल सुबह आना। ठीक, समझ गए ना? ठीक है फादर। जैसे जी, वो जी, जी, यूसुफ मारा गया था। तुम कहाँ जा रहे हो डॉन? बिशप के घर जा रहा हूँ, प्रोक्रिएटर फादर से मिलकर सुबह लौटूंगा। जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बढ़ने के बाद खत्म करने मुश्किल होते हैं, ऐसे रिश्तों को पनपने ही नहीं देना चाहिए। आप गलत समझ रही हैं टीचर, मार्टी बस एक दोस्त है। अब ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना कि स्मॉल फादर्स दोस्ती भी नहीं कर सकते। उस रात शहर में कई चीजें हुई, मुझे नहीं पता था कि यह सफर मेरी जिंदगी ही बदल कर रख देगा। अगर उस एंटिक डीलर को कुछ किया तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो कोई एंटिक डीलर नहीं है, वो अंडरवर्ल्ड का गॉडफादर है। यही तो सूत्रधार है शहर की सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज का, डार्क वर्ल्ड का बेताज बादशाह। यही जुड़ा है इस युग का अब्बा मोरे। अब्बा जी, उस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की वजह से हमें काफी नुकसान हो रहा है। अब्बा जी, हमें फौरन कुछ करना होगा। वो और उसकी कस्टम्स वाली बीवी अब्बा जी से पंगा ले रहे हैं। अब्बा जी, आपको पता है उसने मेरे मुंह पर आपकी फैमिली को माफिया फैमिली कहा? आज के बाद उन लोगों का हमारे काम में दखल नहीं चाहिए। ज़ायरा, एएसपी शेख मोहम्मद की वाइफ, कस्टम्स प्रिवेंटिव ऑफिसर। अब्बा जी, वी विल फिनिश ऑफ देम। लड़कों ने जो सोचा है सही है, हमें फौरन कुछ करना चाहिए, वरना पत्थम कलम को अपने सारे धंधे बंद करने पड़ेंगे।
यहाँ खौफ इस्तेमाल करना जरूरी है। उस एएसपी शेख मोहम्मद को हमारे सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, यही मेरी ख्वाहिश है। अब्राहम ने मोहम्मद से कह दिया है कि उसे क्या करना चाहिए, वो मरना चाहिए। अरुण, खलास। ये रोज सुबह स्टेडियम आती है जॉगिंग करने के लिए। बोट पे क्या पूरी जिंदगी घूमते फिरते ही रहोगी और इसी तरह चने चबाती रहोगी? बोट को बांधना खोलना ही काफी नहीं है, अब तक तो तुम्हारे 3-4 हो जाने चाहिए थे। ऐसी तिखी जवानी झट्टी पर बर्बाद कर रही हो। तुम नाराज मत हो, मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लाऊंगा। अगले महीने ही जेल से छुटकर आएगा वो, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां खुशियां भर देगा वो। अरे पुलिस, कैनेडी फादर गुड मॉर्निंग। कैनेडी नहीं, ओबामा हूँ। सुनो, सबके लिए एक फादर। ऑर्डिनरी फादर, मेरा आपको गुड मॉर्निंग। दिख रहा है ऐसा ही नहीं बने। ये छतरी देख रहे हो ना, घुसेड़ दूंगा पेट में, कबाब में हड्डी आ गया। इसको मुंह मत लगाए, ठरकी है। क्या हुआ सर? जरा मार्टी को बुलाओ। मार्टी, क्या बात है सिस्टर? जरा इधर आओ, मैं ये डीजल फिल्टर साफ कर रही हूँ। जरा तुम यहाँ आओ। के वक्त जितना परेशान करते हैं। फादर, गॉड्स ग्लोरी बी फॉरएवर। ब्लेसिंग दूंगा लेकिन टिकट नहीं लूंगा। जैसे हमेशा लेते हो। क्या हुआ सर? अरे नाजुक सी चीज नट बोल्ट के पीछे कहाँ पड़ी रहती है, उसे रहने दो। पेपर पेंसिल लो और मेरे साथ चलो। चलो। पर क्यों सर? जाओ ना मार्टी। आज सुबह एएसपी की बीवी जॉगिंग पर गई थी, वहाँ उसका हिसाब पूरा हो गया। एक आई विटनेस है हमारे पास, तुम कातिल का स्केच बनाने के लिए चलो। आप चलिए सर, मैं ड्रेस बदल के आती हूँ। जल्दी आना दीदी। हाँ, मैं जा रही हूँ, तुम ये चाबियाँ रख लो। हाँ, उसने अभी स्केचिंग शुरू की है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। हाँ ठीक है, बता दूंगा मैं। बाईपास न्यूटन है, इसी ने उस औरत को मारा है। नहीं ये नहीं, तुमने गलत आदमी की तस्वीर बनाई है। मैं तुम्हारा सर कटता हुआ नहीं देखना चाहती, इसलिए मैंने उसका चेहरा बदल दिया। मेरी बात समझने की कोशिश करो, पुलिस को कह दो इसी को देखा था। नहीं नहीं, और कुछ कहोगे तो तुम्हारी जान चली जाएगी। पथम कलम की फैमिली इस शहर पर राज करती है डॉन। अब्बाजी और उनके पोते पोतियां शहर के सबसे बड़े क्रिमिनल्स हैं। यहाँ उन्हीं की मर्जी चलती है। उस बिल्ली आंखों वाले आदमी को मैंने अपनी आंखों से खून करते देखा। आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, कुछ अनदेखा करने के लिए भी होती है। डॉन, तुमने अरुण को वहाँ नहीं देखा, बाईपास न्यूटन को देखा है। नहीं, मैं वही कहूंगा जो मैंने देखा है। अगर वो मान नहीं रहा तो रहने दो मार्टी, देख लेना शेखरन सर इससे सब में हाँ बुलवा लेंगे। यहाँ लड़के, तुझे भत्ता देता हूँ, उल्टा लटकेगा तो सब में हामी भर देगा।
क्या समझता है तो उससे बात मनवाने के लिए पुलिस उससे भीख मांगेगी तो ये तेरी भूल है। पत्थम कलाम या हमारे सामने सिर उठाया तो तू एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगा, समझे? नहीं बचेगा। जिसे तूने सुबह देखा वो पत्थम कलाम अरुण नहीं था, वो बाईपास न्यूटन था। देवयानी सर, इसको जरा लाल मिर्ची चखाओ, तब अपने आप सब कुछ मान जाएगा। और राजप्पा सर, तू इसकी धुलाई चालू कर। यस सर। आ, मार्टी तुम गई नहीं? तुम चिंता मत करो मार्टी, देखना थोड़ी देर में ये सब कुछ मान जाएगा। अबे जरा इसे बराबर कर। अभी सारी बातें मारेगा तू, हीरो बन रहा है। क्या ये सब मिलकर उसे मार डालेंगे? वो मान गया है मार्टी, तुम उसे ले जाओ। मैंने कहा था तुमसे सारे सच बताने वाले नहीं होते। लड़की ले जाए इसे। तुम घबराना मत, जानते हो मैं किसका केस बना के कोर्ट में पेश करने वाला हूँ? चुल्लीकन वसीम अली का। बेटी इसकी आंख में मिर्च डाली है पुलिस वालों ने, बर्फ से कोई फायदा नहीं होगा। एक वैद्य है पूनम नगर में, उनके पास बढ़िया जड़ी बूटी है, वहीं चलते हैं। सक्रिया, उसको दवाई लगा दी। आनंद, ये पत्थम कलम है क्या? मैंने मेरी माँ के मुंह से सुना था, ये 10 बॉसेस की कंपनी है पत्थम कलम। जमीन, औरतें, जेवर, ब्याज, जुआ, मर्डर, गांजा, कोटेशन, दारू, नकली नोट छापना, ये 10 सर है गुनाहों के, और यही है पत्थम कलम। ये ले, ये इनाम मेरा चेहरा भूल जाने के लिए, रख ले, चलो। मुझे इस धोखेबाजी का इनाम चाहिए। हेल जीसस क्राइस्ट। सुनो मार्टी, क्योंकि मुझे पता नहीं इसलिए पूछ रही हूँ, डॉन इतनी सुबह सुबह क्यों गया था मर्डर देखने के लिए? मार्टी, मुझे कुछ पता नहीं दीदी। कल शाम को तो वो बिशप के घर गया था और सुबह लौटते समय उसने ये मर्डर देखा। टीचर किनारा आ गया। क्या पुलिस जानती हूँ, तुम्हारी अकलमंदी की वजह से ही डॉन आज उनके हाथों से बच गया मार्टी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं टीचर। हमारी तरह उस बेचारी टीचर को भी बहुत दुख हो रहा है। तुम मुझे सच बताओ, क्या पुलिस ने उसे इतना मारा? बोलो ना मार्टी। हाँ दीदी, पर उसे इस बात का मलाल नहीं।
एक बूढ़ा और उसके पोते पोती, यही है प्रथम कलम। वो ऑर्डर देते हैं पुलिस को और पुलिस काम पूरा करती है। कोचिन अब एक नर्क बन गया है, यहाँ राज चलता है प्रथम कलम का। प्रथम कलम इधर आ। आज की रात तो अपनी है यार, सब मिलकर पियेंगे। दोस्तों इस बोतल में मेरा खून है, तुम इसे पी लो। बहुत ब्लेसिंग हो गई, मुझे दे दे। मेरा हे ईश्वर, हमने ये बोतल और लिवर फ्राई किचन से चुराया है। इसके लिए हमने कृष्णचन और रेट्रीचन को उल्लू बनाया। ये दारू और ये लिवर फ्राई वाला चकना जो हमने किचन से चुराया है, उसके लिए हमें माफ कर देना। आमीन। अरे डॉन, ये ले तेरा ग्लास। मुझे नहीं चाहिए ये खून। हैं? अरे एकदम ओरिजिनल माल है और प्योर है यार। जैसे एक आदमी के अच्छे होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। पी जा। जो ऑर्डर देता है और जो ऑर्डर नहीं मानता, वो दोनों ही बर्बाद हो जाते हैं। मेरा बदला पूरा होगा और दुश्मनी भी। अभी भाषण दे रहा है, सुबह सबके नाम बक देगा। अच्छा, इसीलिए तुम अच्छा आदमी बनने की कोशिश कर रहे हो, है ना? अरे पी लेना यार, क्या बकवास कर रहा है? क्या कर रहा है डॉन? पी ले, मैं आज तुझे पिला कर ही रहूंगा। मुंह खोल। आज तो तुझे पीने ही पड़ेगी डॉन। क्या कर रहा है डॉन? डॉन क्या कर रहा है तू? दूर हो जा मुझसे। सबको मार डालूंगा डॉन। अबे लग जाएगी, रहने दे रहने दे। जाओ यहाँ से, चले जाओ। फादर, इसे यही रहने देंगे फादर? फादर, क्या डॉन इसी रूम में बंद रहेगा? चुप करो तुम लोग। फादर, मुझे लगता है इसे जंजीरों में बांध देना चाहिए। फादर अंबर कल आने वाले हैं क्लास लेने के लिए, तभी इसे मिला देना। अरे बाप रे, वही डॉन के गुरु हैं। ओ माय जीसस, ये एक क्या कम था जो बुढ़ा भी आ रहा है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वेलकम फादर, प्रेज द लॉर्ड। उसकी मर्जी से ही तो सब चलता है। मैं अंबारा शाहजी बोल रहा हूँ। अरे बेवकूफ, सांप मरना नहीं चाहिए और साथ ही साथ उसकी खाल भी उतरनी चाहिए। मैं तुम्हारे बाप को मार डालूं या तुम्हें धमकाऊं, मुझे 5 मिनट बाद फोन करो। बेकार में गरीब इंसान को तकलीफ देते हैं। डॉन कहाँ है? डॉन, अरे मदर सुपीरियर का फोन। हेलो फादर, अंबारा बोल रहा हूँ। क्या हमारे इंटरनेट पर हमारा कप्पायर देवासा कुट्टी? माय गॉड, साइबर कैफे को फोन करो, जल्दी बताओ। हैं? छे, सब कुछ गलत हो गया, हमारे मिशन वाले ही सांप बन गए। इन लोगों को तो बिशप भी नहीं रोक सकता है, फिर ये बेचारा फादर अंबारा क्या। लो अगला फोन भी आ गया। हेलो, चुप रह सुअर, मैं तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगा। सैटन खतरनाक नहीं है। फादर, ये सैटन कौन था? तुम सैटन हो। तुम खुद अपने आप में एक सैटन हो। साइलेंस। इंसान नहीं है, इंसान के पूछने की सोच को धर्म सैटन कहता है। सच कहूं तो धर्मी अधर्मी से ज्यादा डरता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अधर्मी को प्रार्थना के अंदर क्या दिखता है? फादर का भाषण उसे खट्टा मीठा अप्पम लगता है। यही जब हम सुनते हैं, मतलब एक भक्त जब प्रेयर को सुनता है तो उसे जीसस की बॉडी और ब्लड दिखाई देता है। साइंस लगातार प्रश्न उठाते ही जा रहा है। फादर, ये सब क्या सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को? अपना ही मकसद दिया हुआ है। हमारे लिए भगवान हिंदू है, भगवान क्रिश्चियन है, भगवान इस्लाम है। आखिर गॉड का धर्म, तो फिर गॉड का धर्म क्या है? मेरे कहने का मतलब है, छुपना और अंदर झांक कर देखना और कन्फेशन चैम्बर, ये छुपा छुपी की आदत डाल देते हैं। ये लबादा ओढ़े हुए जासूस होते हैं। वो मेरे लिए एक आम क्रॉस सेमिनरी बन जाते हैं, मैं एक क्रॉस बन जाऊंगा। मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो यही घूम रहा है। क्या बात है फादर?
कितनी धूल और जाले यहाँ। कुरिशो सुनो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरा नाम कृषु नहीं है, ध्यान से सुनो, मेरा नाम है कुश पॉल। फादर कुश, केवल एक अक्षर हटा देने से कुरिशु कुश नहीं बन जाएगा। ओ बिशप ने तुम्हें बिल्कुल सही नाम दिया है, कुश कुरिशु, कुरिशु कुश। लगता है गया। साइलेंस। ओ मेरा हाथ। फादर रेट्रेशन आपको बुला रहे हैं। क्या हुआ फादर? गुस्से वाली गैस। क्या गुस्से वाली गैस? ये तो तुम्हें सुबह भैंस और मुर्गा खाने से पहले सोचना चाहिए था, ये गुस्सा गैस का नहीं ऊपर वाले का है। बड़ा आया गुस्से की गैस वाला। सैन फ्रांसिस ने हमसे कहा है चल गुस्सा चल इधर आ जाइए। लगता है डॉन का फैसला भी इन्हीं के साथ करना होगा। फादर आपने मुझे बुलाया, उस कुशाचंद ने मुझे बताया, क्या बात है? आपको उस डॉन को किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाना होगा, जितनी जल्दी दिखाएंगे उतना ही बेहतर होगा, आपको क्या लगता है? इतना काफी है, आप एक इंसान को जानवर बना रहे हैं, वो भी एक बेकाबू जानवर, ताकि बाद में आप उसे मार सके। देखिए फादर, सबसे पहले मैं उससे कन्फेशन करवाता हूँ, बाद में आपकी काउंसलिंग और इलाज भी हो जाएगा। हेलो ओबरॉन मॉल। फादर जरा जाओ जाओ, अगर वो तुम्हें ओबरॉन मॉल में ना मिले तो उसे गोल्ड शॉप में ढूंढो। लगता है ठीक है, उनको फोन करके बताता हूँ। ये फादर है या राउडी राठौर? आप अभी तक नहीं समझे, ये बहुत बड़ा राउडी है। आप संभल कर रहिए, अगर इस गुंडे को आप खुला छोड़ देंगे तो ये सेमिनरी को कब्रिस्तान बना देगा, तब मुझे दोष मत देना। हाँ। सन डॉन, मैं सिर्फ तुम्हारा संरक्षक ही नहीं हूँ बल्कि तुम्हारा आध्यात्मिक गुरु भी हूँ। मुझे बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है? जो गलती मैंने नहीं की है उसकी सजा भुगत रहा हूँ। इस संसार में गलतियों की सजा तो मिलती ही है, इसलिए मुझे अपनी गलतियां बताना शुरू करो। अपने दिल में कोई भी चीज मत रखो, मैं तुम्हारे जैसे नौजवान लड़कों की गलतियां सुनना चाहूंगा। आंखें बंद करते ही वो चेहरा घूमने लगता है। कहीं वो हिरनी जैसी बोट वाली लड़की तो नहीं जिसने तुम्हारी नींद उड़ा दी? मैं जानता हूँ एक दिन वो तुम्हारी होकर रहेगी। जब मैं आंख बंद करता हूँ तो मुझे सिर्फ परताम कलाम एरॉन का चेहरा दिखता है। मेरी गलती क्या है जो पुलिस ने मुझे मारा? क्या इस संसार में एक अनाथ को सच्चाई बताने का हक नहीं, या फिर अनाथ का सच सच नहीं होता? सब मुझे ही क्यों एक बुरा आदमी समझते हैं? तुम्हें अच्छा बनने की जरूरत नहीं, इन कायरों ने अपनी सहूलियत के लिए सबकी आंखों पर पर्दा डाला हुआ है। कायर कहीं के छे। तुम हमेशा मुझसे एक सवाल पूछा करते थे, तुम्हारे पिता कौन है? तो सुनो, तुम्हारे पिता गुंडों की शामत थे। उनका नाम सुनते ही केवल केरला की पुलिस ही नहीं पत्ताम कलम तक सहम जाता था। खैर जाने दो, कौन पत्ताम कलम, सुअर कहीं के छे। कौन थे वो, कौन थे मेरे पिता? हाँ दाविद, यहां उन्हें इस नाम से कोई नहीं जानता। तुम्हारे शरीर में एक गुंडे का खून बह रहा है, इसीलिए वो इतना गर्म है। एक बेटे के नाम के आगे गुंडे का ठप्पा ना लगे, इसलिए तुम्हारी मां ने तुम्हें छोड़ दिया एक अनाथ आश्रम के बाहर जब तुम पैदा हुए। वो अब भी तुम्हारे पीछे है, वो यहां केवल तुम्हें देखने के लिए आती है। क्या तुम जानते हो, जिस दिन तुम फादर बन जाओगे उस दिन वो आकर तुम्हें बेटा कहकर बुलाएगी। कोई चाहे कुछ भी कहे लेकिन तुम अनाथ नहीं हो, तुम फौलाद की औलाद हो। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, अपने पिता की तरह सीना तान कर चलो, तुम असुर बीज हो। हाँ? सच्चाई बताकर मैंने गलती तो नहीं की? अकेले क्यों खड़े हो? मैं तो बस ऐसे ही। जो कुछ भी है मुझे बताओ। टीचर ये सेटन कौन था? जानती हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं सेटन वो है जिन्होंने ईश्वर के साथ युद्ध किया? नहीं, सेटन वो फरिश्ते हैं जो ईश्वर के साथ क्रांति लाए थे। मेरे पिता भी क्रांतिकारी थे। Thank you.
टीचर ये सेटन कौन था? ये देख सक्रिया, यहीं पर मेरे पिताजी की नहीं, उनका कत्ल हुआ था। डॉन, पुरानी बातें क्यों याद कर रहे हैं? शैतान तेरे मन में घर कर गया है। हाँ, मगर शैतान नहीं, सेटन, मेरे पिताजी। चल। मैंने तुम्हें यहाँ मिर्च पीसने को नहीं बुलाया है। मैं चश्मदीद गवाह का असली नाम जानना चाहता हूँ। सर, मैंने आपको बताया ना, मैडम को मारने वाला बाईपास न्यूटन था, वो चुल्लीकल वसीम अली था। वो DYSP सोमा शेखरंग की बनाई हुई करी का नाम है जो उन्होंने मिर्च पीस के बनाई थी। मैं अपने बेटे की कसम खाती हूँ, उसका नाम चुल्लीकल वसीम अली था। चुल्लीकल वसीम अली क्रॉस कब से पहनने लगा? जाओ यहाँ। सुमन सर, मुझे लगता है वो डॉन मुसीबत बन गया है। लगना क्या है, वो मुसीबत ही है। कौन है वो डॉन? कल मेरी छुट्टी पूरी हो जाएगी, कल तुम्हें मुझे सच बताना ही होगा। उससे पहले वो लड़का खत्म हो जाना चाहिए, वरना मुसीबत बन जाएगी। प्रॉब्लम आई विटनेस है या ASP? अगर आप मुझसे पूछेंगे अब्बाजी, तो मैं कहूंगा ASP को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। क्या नाम बताया तुमने उस बिल्डिंग का जहां ASP रहता है? वेस्ट गेट टेरेस। अमीरा, अमीरा, खलास। अब बोलो, तुम इस फ्लैट में क्यों आई हो? मेरे सवाल का जवाब दो टीचर। मैं हर बुधवार को ASP की बेटी का वायलिन क्लास लेती हूँ। एंजल टीचर नहीं आएगी, उन्होंने मुझे तुम्हारी क्लास लेने को कहा है। इस तरह नहीं, इस तरह। जब मैं क्लास लेने आ रही थी, मैंने सीढ़ियों पर दो लोगों को देखा। आ! 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 आ!
क्या तुम अकेली रहती हो टीचर? हाँ सर। तुमने इस औरत को देखा? हाँ यही है सर। अच्छा सुनो, बाथुरुट्टी की वो फोटो देना जो तुमने ड्रॉ की है। गुड। मैंने इसे नहीं देखा सर। तो तुम कहती हो कि तुमने उस दिन इस औरत को देखा। कल खबर छपेगी कि शहर के बाहर एक अकेली औरत रहती थी, उसका मर्डर हो गया है। कल सोमा शेखरन की ड्यूटी वहीं पर लगेगी, मेरे सामने सिर्फ लाश होगी। उस समय मैं तुम्हें कोई टीचर या धोखेबाज नहीं समझूंगा। जो बयान देना है सोच समझ कर देना, मैं किसी पर रहम नहीं करता। बढ़िया। उस विटनेस का क्या नाम था जिसने तुम्हें देखा? मुझे नहीं पता। ए पुलिस, आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली ना? प्रॉब्लम होगी भी तो खत्म कर देंगे, दैट्स ऑल। और क्या? वो एक मिडिल एज सीधी सादी औरत है, दैट्स ऑल। और अगर जरा भी कोई शक है तो खत्म कर दो। दो दिन तक अमीरा और रूबन क्राइम ब्रांच के हाथों अगर ना ही लगे तो अच्छा रहेगा। काले पानी के पास दूसरी तरफ एक जगह है, वहाँ मेरे दोनों बच्चे यकीनन बड़े आराम से रह सकेंगे। जल्दी उनको वहाँ छुपा दो, जगह पता है ना तुम्हें, ले जाओगे ना बराबर? मलयालम थुरुतु सेमिनरी, वही ना। वहाँ पर तो वर्दी वाले शैतान भी छापा मारने से डरेंगे। क्यों, सही कह रहा हूँ ना सोमशेखरन? अब्बा जी। इस समय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब्बा जी, ये मियाम सेठ आपसे बात करना चाहते हैं। अब्बा जी, मैं इस वलरपड़ गुंडे से परेशान हो गया हूँ। उसकी वजह से आजकल मैं माल का एक भी कंटेनर नहीं उतार पा रहा हूँ, लेकिन हालात जल्दी सुधर जाएंगे। मैंने उसका हफ्ता शुरू कर दिया है। जरा उसका नाम तो बताओ। वलार पदान कुरुडू। वो उस सेटन का पुराना दोस्त है अब्बा जी। कई साल पहले हमने उसे थुटुगुड़ी से बाहर निकाल दिया था, लेकिन उसने यहाँ परेशानियां खड़ी कर दी हैं। कौन कौन है उसके घर में? एक बहन है उसकी, टीचर है, और साली। उर्दू कुछ समझे? उससे पहले वो उस आदमी का दोस्त था जिसने तुम्हारे पिता की हत्या की थी। हो सकता है सेटन के बेटे को उर्दू मुथप्पा पाल रहा हो, उसको पता होगा कि वो कहाँ है। उसे छोड़ना मत। अब्बा जी, ये हम एक्सपोर्टर्स की कोटेशन है, संभाल लेंगे। नहीं, ये मेरी कोटेशन है, मेरे स्टीफन की कोटेशन। जाओ उसकी बहन को लेकर आओ, कल तुम्हारा पहला जॉब है ना। सिस्टर, काकानाडू जाने के लिए रास्ता कौन सा है? मैं समझी नहीं। आप समझी? डैम रश। अरे ये क्या कर रहा है? Oh!
सक्रिया तो ठीक है ना? ठीक है ना? मैं चलूं? सॉरी बोल फिर जाना। जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी जल्दी, रुक रुक रुक, अरे भाई रुक। कमीने ने इसके चेहरे का ये हाल किया है। ये ठीक है, इसे और साफ कर देता हूँ। छे, मेरी पकड़ में अब तक वो मार्टी नहीं आ रही। दिखाओ। हाँ, देखिए भाई, हमें वो लड़की नहीं मिल रही जो हमेशा ड्रॉ करती है। ये पुराना चावल मिला है, आपकी बहन स्केच पूरा होने से पहले ही बेहोश हो गई। ये किस गैंग का है? मुझे नहीं पता, चेहरा सामने आएगा तो पता चलेगा। अरुण, चाहे वो जो कोई भी हो, मुझे जिंदा चाहिए। सेमिनरी में अमीरा और रुबन को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए? जी अब्बा जी। पता लगवाता हूं ये स्केच वाला कौन है। भाभी, क्या ये लड़का यहीं पर पढ़ता है? नहीं, इस तरह का कोई नहीं यहाँ। ओह जीसस, ये तो अपने डॉन के बारे में पूछ रहा था। दुनिया के किस धर्म में सबसे ज्यादा अंबानी है? हमारे ईसाई धर्म में। फादर, आप पानी डालना भूल गए। मैं भूला नहीं, चाहे शराब हो या धर्म, ये अंबार किसी भी चीज में मिलावट पसंद नहीं करता है। कोई चखना वखना नहीं है? करी तैयार नहीं है फादर। कम से कम 3-4 अंडे ले आते, मैं उन्हीं से काम चला लेता।
हाँ तो मैं क्या कह रहा था, सक्रिया की वजह से डॉन प्रॉब्लम में फंस गया और जब मैंने चोट के बारे में पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। हमारे गेस्ट हाउस में दो भुक्कड़ आए हैं, उन्हें परोसते परोसते मैं थक गया हूँ। अगर अब्बा जी ये सेमिनारी के लिए ना कहते तो हम आपको बिशप के घर रखते। Stupid idiot. क्या हुआ? क्या हुआ? ये कैसी आवाज थी? अमीरा, क्या हुआ? भाई, ये वाइन जो तुम स्पेन से लाए थे, इस बेवकूफ ने बर्बाद कर दी। कमीना कहीं का। Oh God. ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है जो तुम तोड़ दो। इसकी कीमत भी मालूम है तुम्हें? 25,000 की थी। Oh Jesus, देख रहे हो तुम? तुमने इसे जमीन पर बर्बाद कर दिया। It's okay. तुम माचिस नहीं लाए? तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? जल्दी से मैच बॉक्स लेके आ। अब ऐसा खामोश क्यों खड़ा है? अरे माचिस कहाँ है? जाओ जाकर लेकर आओ। फादर, मैं स्मोक नहीं करता, इसलिए मेरी जेब में माचिस नहीं है। किचन से मैच बॉक्स लेके आ या बड़बड़ बंद कर। आग ही तो लगानी है, उसके लिए मैच बॉक्स क्यों चाहिए? नाम क्या है तुम्हारा? डॉन, डॉन बॉस्को। ये सड़कों पर बड़ा हुआ इसलिए इतना घमंडी है। तो तुम ही वो कमीने हो। सक्रिया, ये ग्लास के टुकड़े यहाँ से उठाओ। सक्रिया नहीं उठाएगा, इस कमीने को ही उठाने दो। सुना नहीं, उठा इसे। चलो झुको और चुपचाप कांच के टुकड़े उठाओ। जल्दी उठाओ। तू तो एकदम कुत्ता लग रहा है बे कमीने। पियो इसे जल्दी। कुत्ता मैं नहीं हूँ, तू है जो भौंक रहा है। क्या फादर, कुछ यहाँ क्या हो रहा है? आपको दिखता नहीं फादर? हैं? वो तो मैं देख ही रहा हूँ। डॉन तुम यहाँ आओ। फादर ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। अब ये पानी चुपचाप पी लो, तभी इसके अंदर की आग कम होगी। पी ले। पैर धोने के बाद इस पानी को पी लेना। फादर, एक बार जो लोग गेस्ट हाउस में रह रहे हैं वो डॉन से। उन्होंने डॉन को मारा? तब ठीक है, उसे वो पैर धुलवाकर पीने के लिए कह रहे हैं। डॉन, तुम नहीं, तुम्हारे फादर इसे पियेंगे, और वो भी धुले पैर नहीं बल्कि इनका टॉयलेट वाटर। फादर, इन्हें सेमिनरी से जाने के लिए कहिए। आप कुछ नहीं जानते फादर, इसने हमारे गेस्ट का अपमान किया है। हैं? फादर की शह पर ही गरीब लोग ऐसा बर्ताव करते हैं और हमारे जैसे लोग मरते हैं। और फादर अंबर की सजा ये है कि वो इस मामले से दूर। हाँ, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। किसी को सजा दे के दुनिया में भगवान नहीं बना जाता है। सुनो, अपना टाइम पास करने के लिए तुम मेरे बच्चों का अपमान कर रहे हो और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। डॉन, पहले प्रार्थना करो फिर सो जाओ। जाओ, तुम रुको, डॉन इस पानी को पियो। बेटा डॉन, शैतान खून नहीं करता है, केवल करवाता है। आज तुमने एक मासूम का खून कर दिया। अपनी अच्छाई और तुम्हारी इज्जत की खातिर वो पानी पी गया। ओ, अगर तुम्हें क्रॉस पर लटका दिया जाए ना तो भी तुम्हारे पाप नहीं धुलेंगे। थू, काहे के फादर? फादर, आप इन लोगों को नहीं जानते। हा? अच्छा, अगर नहीं जानता तो इनकी प्राइस लिस्ट बता दो और साथ में दो फोटो भी देना। किस लिए? पूजा करोगे? नहीं, ताकि बिना जोर लगाए पेट अच्छा साफ हो।
चाहे कुरुशु कहूँ या कुश कहूँ, तेरा कुछ नहीं हो सकता। एक वहाँ बैठा हुआ है, डरपोक कहीं का, इनका जिंदगी में कुछ नहीं होगा। क्या बात है डॉन, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? कहीं भी यहाँ से दूर, अपने दिमाग को शांति पहुँचानी है मुझे। शांति तो हम सबको ही चाहिए होती है। चलो तैयार हो जाओ, इंजन स्टार्ट करो। हाँ। सुनो, जब तक हम खुद का कुछ बना ना ले तब तक हम सब गुलाम हैं। तुमने अभी तक जिंदगी की धूप नहीं देखी, ना ही तुम्हारे पैर जले हैं। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ झेलना है। जल्दी जाओ, सेमिनारी बंद हो जाएगी। मैं हमेशा बिशप से कहता रहूँ ग्लोरी टू जी सर। ये सेमिनरी घर जैसा होना चाहिए। क्या मतलब? यहाँ बहुत परायपन है। अगर कल रात को मैं यहाँ होता तो ऐसा कांड कभी नहीं होता। वो देखो माटी आ गई, वोट आ गई। पता है यहाँ पे वंस अपॉन ए टाइम हमारे विलिंगटन सर ने इस वोट का उद्घाटन किया और मार्टी इसे चलाती है। शारदा, इस ट्रिप में सिर्फ इन दोनों को ही ले जाना, किसी और को मत बिठाना। आज के लड़के कॉलेज नहीं जाएंगे फादर? आज वो लोग कॉलेज नहीं जाने वाले हैं, मैंने उन्हें छुट्टी दे दी है। बोट ओवरलोड मत करो। सुनिए शारदा जी, कल रात हमारी सेमिनारी में गड़बड़ हो गई थी, इसलिए डॉन और उसके दोस्त भूख हड़ताल पर बैठे हैं और बहुत मायूस हैं। कल रात इन्होंने डॉन को बहुत बेइज्जत किया, वो यहाँ से चला जाना चाहता था। मैंने तो उसे गॉड के हवाले कर दिया था, पर अब वो शैतानों के बीच घिरा हुआ है। अरे माटी, रुक जा। अरे सक्रिया और बाकी लोग आ गए। मुझे नहीं लगता है कि ये कॉलेज जा रहे हैं। ब्रदर, अगली बार तुम आओगे तो मैं नहीं मिलने वाला हूँ, क्योंकि मैं रोम जा रहा हूँ। जाइए, फादर, ग्लोरी टू जीसस। हाँ, उसकी दया हम पर सदा बनी रहे। बेबी, तुम भी नदी को उस पार जा रही हो? मैं कल आऊंगी कन्फेशन के लिए, ठीक है ना? कल तुम्हारा कन्फेशन सुनने के बाद मुझे भी कन्फेस करना पड़ेगा। क्या आज हम उतरेंगे नहीं टीचर? आज नहीं, आज क्लास लेने का मन नहीं कर रहा। वो आज दिखाई नहीं दे रहा मार्टी। ध्यान जरूर आएगा, इंतजार कीजिए, वो अंधेरों में गुम होने वालों में से नहीं है। मैंने रास्ते खोल दी है, बोट को ले चलो। हमें मत भूलना। टाटा। टाटा। रोमाना भूलना मत। जॉन, संभल के। डॉन। बेटा डॉन संभलो, गिरना मत। ए डॉन, ठीक है? माटी, माटी देख। हेलो, बड़ा गर्म खून है साले का, कल रात को टपका था क्या तेरे दिल से? कल रात के लिए मुझे माफ कर देना। सॉरी ब्रदर, हम लोग वापस जा रहे हैं, जब बिछड़ रहे हैं तो हम लोग दोस्ती क्यों ना कर ले। इधर देख, क्या घूम कर मेरी तरफ देख नहीं सकता? तू क्या जीसस क्राइस्ट है? मैंने सुना है तूने कल ही सब्र का सबक सीखा है, क्यों? जैसे कि क्राइस्ट,
जिन्हें कभी क्रोध नहीं आता था। जब तक तुम्हें क्रोध नहीं आएगा मैं यहां से जाऊंगा नहीं। देखते हैं तुझमें कितना सब्र है। अपना क्रेप बैंडेज निकालो, मैं एक डॉक्टर हूं। मैंने कहा वापस लौट जाओ। सुनिए, हमारे लिए यहां कोई जगह नहीं। बाइबल का दूसरा अध्याय आपने तो पढ़ा होगा ना। लिलिफ, प्लीज सर। ब्रदर, लिफ्ट। हमें हॉस्पिटल जाके तेरी ड्रेसिंग करानी होगी। मुझे ड्रॉप कर देंगे? बैठ जाओ। तुम लोग कॉलेज जाना, वहीं मिलते हैं। ओके। भैया ये कहाँ से जा रहे हैं? मेरा एक छोटा सा काम है यहाँ पर। उसे यार्ड में लेकर पहुंचो, उसकी धुलाई शुरू करो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। मिल गया साला सुअर। बेटा डॉन, उठो डॉन, उठो ना। क्या नाम है तेरा? डॉन। डॉन। मैंने तेरा नाम पूछा था, तेरी ख्वाहिश नहीं पूछी थी। मेरी बहन को मारने के लिए तुझे किसने बोला? नाली के कीड़े, पत्थम कलम से खेलने चला था, अब नहीं बचेगा। तुम इसको जानती हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? तुम्हारा भाई है या बाप? एए, अगर सच बोलोगी तो यहाँ से बचकर जाओगी। हमें बस ये चाहिए, ये सेटन का लड़का है या नहीं। मुझे यकीन है ये सेटन का ही लड़का है, ये सेटन का ही बीज है, असुर बीज।
साला हट। लो बस। पेट्रोल में नहला दे इसे। छोड़ो उसे। Damn it, चे। दासी। चला दे इस साले को। डॉन। लोपस। हाँ। आज मेरे अब्बा जी बहुत खुश होंगे। आज जरूर खुश होंगे। ये उसी का बेटा है जिसने तुम्हारे पिता को रेलवे ट्रैक पर मार डाला था। इनके हाथों मत मरना बेटा। उठ जाओ डॉन। क्या हुआ अरुण? किसी ने बोट पर रोबन को मारा। किसने मारा? पता नहीं। तब हमें फौरन वहाँ पहुँचना चाहिए। अब्बा जी ने उन्हें सेमिनरी में भेजा था ये सोच के कि वो वहाँ सुरक्षित रहेंगे। कुछ लड़कों को जेटी पर भेज दो। अभी भेजता हूँ। वही आदमी है जिसने रूबन और अमीरा को बोट पर मारा। लोपस, 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 शिट, लोपस, कहां चले गए सब लोग? हे, लोपस, लोपस, अरुण, सुअर को छोड़ना नहीं, वो कंपाउंड में ही है। उसे कुत्ते की मौत मारना। उसने हमारे सवारियों को मार दिया। हे, छे, डैम इट। तू मरा नहीं, बच गया। हाँ? साले सुअर। ये दुनिया सिर्फ तेरे बाप की नहीं है, मेरे बाप की भी है। मैं इस दुनिया में शांति से रहना चाहता हूं। आज का दिन याद रखना। अब यही के यही मैं जूडस के गंदे खून से अपनी आत्मा के धब्बे धोऊंगा। अब कोई डॉन बॉस को नहीं रहा, सिर्फ डॉन। तू बस मरने को तैयार हो जा जूडस की औलाद। वक्त मैं मुकर्रर करूंगा। अब इस दुनिया में मेरा वक्त शुरू हो गया। मैं आज ही के दिन के लिए तो पैदा हुआ था। रुक, तुझे दुआ देता हूँ।
मैं आगोपा, मैं आगोपा, मैं मैक्सी गोपा। उस दिन टीचर को बचाने के लिए तुमने उन्हें मारा था, उन्होंने बदला लिया। पत्थम कलम वाले अपना हिसाब पूरा करके छोड़ते हैं। इस हादसे के बाद हम इस शहर में नहीं पढ़ पाएंगे, ये बात पक्की है। हमें सेमिनरी छोड़नी होगी। तुम लोग मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते, तुम्हें वापस जाना होगा। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे बिना नहीं जाएंगे। तुम्हें अकेला छोड़कर हम कहां जाएंगे डॉन? उनको मेरी तलाश है, खून के धब्बे मेरे हाथ में है, वहीं रहने दो। तुम लोग वापस सेमिनरी में चले जाओ। मैं सड़कों के बादशाह का बेटा हूं, मुझे सड़कों पर जाना चाहिए। मेरी परेशानियों को मैं खुद ही संभाल लूंगा। डियर राविया, तुम इसके बाप के बारे में कुछ जानती भी हो? नहीं जानती तो कुएं की मेंढकी कहलाओगी। उन दोनों की ये इकलौती निशानी है। इसका फादर सेटन अपने दुश्मनों के मुंह पर खुलेआम थूकता था। नाम था दाविद, मेरा जिगरी दोस्त। उस वक्त कोची मेट्रो जितना डेवलप नहीं हुआ था। कुछ समझे निकोल? फौलाद था उसका जिगरा। चट्टान पर लात मारे तो चूर चूर कर दे। कोची का अकेला शेर था वो। अलवा से फोर्ट कोची तक राज था उसका। चित्तौड़ से चंबा कुलम तक लोग एक ही नाम से कांपते थे, और वो नाम था सेटन, कोचिन का राजा। उस शेर का बच्चा आज यहाँ रहा है हमारे पास। जिस चीज को करने से हम डरते थे, उसका बाप अकेला करता था। उसके दुश्मनों ने इसी का फायदा उठाया। उर्दू का वो आ गया है। वो नहीं, डॉन कहो, हमारा फ्यूचर बॉस। आओ डॉन बॉस को, तुम्हारा स्वागत है। मुझे यकीन था हम एक दिन जरूर मिलेंगे। तुम्हारी माँ तुम्हें फादर बनाना चाहती थी, इसलिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें हम लोगों से दूर रखा और तुम्हें यहां से दूर लेकर चली गई। सेंट पैदा होते हैं और सड़कों पे रहते हैं, लेकिन तुम सेंट नहीं हो, तुम तो राजा हो, राजाओं के राजा हो तुम। दाविद ने राजा बनने के लिए जन्म लिया है। दो बार तुमने मेरी बहन की जिंदगी और इज्जत की रक्षा की है। जो माँ और बहनों की रक्षा करता है वही असली मर्द होता है। वक्त आ गया है तुम्हारे मैदान में उतरने का। भैया इसे यहां से दूर भेज दो। नहीं, अगर ये डॉन है, डॉन बनना चाहता है, तो हमारा डॉन बनेगा। डॉन, मैंने कहा ना तुम यहां से चले जाओ, और वापस इस गैंग में आने की जरूरत नहीं। मैं खुद नहीं आया हूं, मुझे यहां लाया गया है। उन्होंने ही मुझे हथियार उठाने पर मजबूर किया, मुझ में बदले की आग जला दी। शुरुआत उन्होंने की है, अंत मैं करूंगा। अब मेरे आगे कोई चर्च नहीं, कोई फादर नहीं। मैं और महात्मा बनने का ढोंग नहीं कर सकता। आज से मैं डॉन बॉस को नहीं, डॉन दावेद हूं। लगता है बारिश होने वाली है। एंजल, तुम्हें अब डॉन का और इंतजार नहीं करना चाहिए, तुम जाओ। नहीं फादर, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हुआ है, वरना मेरा बेटा इतनी देर नहीं करता। मेरा बेटा? ये बुलावा उसके अंधेरे में छुपने के लिए नहीं है, तुम्हें उसे रोशनी में बुलाना चाहिए। अगर एक बार भी तुमने उसे पहले बुलाने की हिम्मत की होती ना, तो आज उसके हाथ खून से रंगे नहीं होते।
और आज तुम मेरा बेटा कहकर रो रही हो। अब तुम मेरा मुंह ना खुलवाओ तो ही अच्छा है। यीशु भी ऐसे पत्थर को मोम नहीं बना सकता, ये मुमकिन नहीं। यीशु भी माँ के हाथ के आंचल में ही पले थे, ये तुम जानती हो। एक माँ औरत जन्म देती है, तुमने उसके जन्म को जुर्म बना दिया और उसे स्वीकार भी नहीं करती हो। अब तुम्हें उसके लिए चिंता करने का कोई हक नहीं बनता। वो कोई भी एंजल हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ मैं था जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। और मैंने उसे किसी चर्च के सामने नहीं छोड़ा। चाहूंगा तो उसे सेटन को भी दे दूंगा। डॉन, तुम्हारा दोस्त आ गया। अंबारा शाहजी की ये नई पौध है। यासिफ के बेटे के टीचर ने इस बारे में तुम्हें कुछ भी बताने से मना किया है। एक दिन मैं इस जेल से जरूर भाग जाऊंगा, मुझे पूरा यकीन था और आज ही हुआ है। और जिस दिन हम लोग गैंगस्टर बन जाएंगे, उस दिन हमारे लिए कोई नहीं रहेगा। मेरा कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। तुम्हारी माँ तुम्हें एक फादर के रूप में देखना चाहती है। मेरी कोई माँ नहीं है, मैं एक अनाथालय में पला हूँ। टीचर, आपने मेरे शरीर की रक्षा की है, लेकिन मेरी आत्मा को मेरे पिता ने सहेजा है। आपको वापस चले जाना चाहिए। बेटा, कोची में एक और नया गुंडा पैदा हुआ है। आज उस गुंडे का बैप्टिज्म है। सभी फरिश्ते मेरे लिए गा रहे हैं। कंपनी के लिए रावी और वेरोनिका खबरें लाएंगे। ऊपर का चार्ज उत्तन और माधव संभालेंगे। और निकोल, तुम सभी कंटेनर वालों से हजार हजार रुपए वसूलोगे। और डॉन का काम होगा कंपनी का कोटेशन देखना। समझ गए सब लोग? मैं तुम सब पर तुड़ुकुड़ी से नजर रखूंगा। हरीचा इकबाल कल की कलकत्ता फ्लाइट से यहां पहुंच रहा है, बाकी की डिटेल्स मिल जाएंगी। गोवा का हरीचा इकबाल, वो प्रथम कलम का ड्रग सप्लायर है, अरुण का दाहिना हाथ। अगर हम लोग उसे खत्म कर दें तो समझो कि कालम खत्म। खबर मिली है कि आजकल वो यहां कोची में है। बंदूक और मेटल सेंसर उसके पास होते हैं। हम चाकू या गन इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपने दिमाग को अपना हथियार बनाओ। अगर तुम इसमें कामयाब हुए तो मैं तुम्हें कोची का डॉन बना दूंगा। ऐसा कर सको तो जाओ। जैसा तुमने कहा, मैं माल ले आया हूँ, लेकिन मुझे कैश चाहिए। मैं बता दूंगा तुम्हें कैश कहाँ लाना है। ओके, बाय अरुण।
असुर वृत्ति यही है नियति, असुर वृत्ति यही है नियति। एक पल में कर देता है खेल खत्म सारा, मौत भी इससे डरती ये ऐसा अंगारा। सीने में शोला तो कातिल है नजर, बातों से जहरीला टपके है जहर। उसकी छाया से भी दूर रहना पल पल उससे बचना रहे। वो हीरो है बेखौफ होके फिरता है, उसका खौफ हर सू। मैं कोची में एक नई कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलना चाहता था, डी कंपनी, डॉन कंपनी। डी कंपनी, सुनने में बहुत अच्छा लगा नाम। डी कंपनी काफी तरक्की कर रही है बाजी। अब वो पूरा डॉन बन चुका है। बढ़ने दो उसे, ऊपर तक जाने दो उसे। उसे एक पाइन के पेड़ की तरह होना चाहिए, और जब वो अपने बाप के जैसा बन जाए तब उसे मेरे सामने आना चाहिए। इकबाल के कत्ल के बाद गोएगा लोगों ने भी हम पे भरोसा करना छोड़ दिया है। ऐसा लगता है पौंडीचेरी वाला भी अपने को माल नहीं भेजेगा। शिट, हाउ डेयर दे। उन्होंने डी कंपनी के साथ डील फाइनल की थी। डरो नहीं बच्चों, वो अपनी जिंदगी का हर कदम हमारे हिसाब से रख रहा है। शॉर्ट में कहूं तो सेतु और लुपस कहते हैं कि मैंने ही डॉन को सिर्फ इतना बढ़ने दिया है। सिर्फ उन्हें ही नहीं, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ, तुम्हें याद है वो दिन जब मैंने तुम्हें और तुम्हारी बहन को सेमिनरी भेजा था? मैंने सुना था कि उसकी माँ और उसके बाप के दोस्त सभी उसे सेमिनरी में भेजना चाहते हैं। मैंने तुम दोनों को वहां उसकी ताकत आजमाने के लिए भेजा था। एक ही दिन में मैंने उसे डॉन बना दिया। उसके पास सिर्फ उतनी ही जिंदगी है जितना हम चाहते हैं। जब तक मैं ना कहूं खल्लास, दोस्त मेरा डॉन ठीक तो है ना? कुछ दिनों से उसे देखा नहीं ना, इसलिए। पर्ची में मरने के लिए तुम्हारा नाम पहले निकला है। तुम ही ने उस लड़के को डॉन बनाया है ना? तुम्हारे सर को काट कर चांदी की थाली में बेटे को देने के लिए कहा है। ये अब्बा जी का ऑर्डर है। Oh Jesus. خلاص. आपको ये जगह छोड़कर जाना होगा। कारण यह है कि मुझ पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक है, और मेरे दुश्मन इस बात को जानते हैं। मुझे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। मगर मुझे है। अब ठीक है, मैं चला जाऊंगा। उसकी नीली छतरी बहुत बड़ी है, कहीं पर भी चला जाऊंगा। तुम पर बोझ नहीं बनूंगा। हाँ।
गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। हाँ। अब अगर मेरी गलती के बारे में किसी से कन्फेस किया ना। नहीं डॉन, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। गॉड प्रॉमिस, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ये वो लोग हैं जिन्हें मेपल की प्रॉपर्टी के सिलसिले में धोखा मिला, उनकी अपील भी रद्द कर दी गई है। अब इनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ आपसे है। कभी भी किसी को ये दिन ना देखना पड़े। सच कहता हूँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक सिगरेट तक नहीं पी, और जो पैसे दिए थे वो हमने फ्लैट के लिए दिए थे। हम तो कहीं के नहीं रहे। वो इसी शहर में, ये हमारी मेहनत का पैसा है। और हमारी कमाई के पैसों से उनके बाल बच्चे बंगलों में रह रहे हैं और गाड़ियों में घूम रहे हैं, और उनकी हिफाजत के लिए पुलिस वाले तैयार बैठे हैं। हमें उसकी मौत चाहिए। मैसी। जी भैया। उस बिल्डर का नाम क्या है? हेमंत मेनन, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मेपल प्रॉपर्टीज। कहाँ बैठा है अभी, पता लगाओ जरा। भैया, आजकल वो इसी शहर में है। जिससे हमारे बुजुर्गों के दिल दुखे, इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट डी कंपनी कभी स्वीकार नहीं करेगी। आप लोग बेफिक्र होकर जा सकते हैं। मैसी। राविया, कहाँ है वो? हेमंत, अभी अभी एडवोकेट अनंत रामन के ऑफिस से निकला है। वो एयरपोर्ट के रास्ते पर है, कोई उससे पहचान न ले इसलिए ऑटो लिया है। ठीक है। मेरी BMW अलुवा में मिलेगी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को हम पर शक नहीं होगा। ये उन लोगों की कोटेशन है जिन्होंने अपनी जमीन गवा दी। डॉन, डॉन। क्या हुआ आनंद? एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। तुम जेटी पहुंचो, मैं वहीं मिलता हूं। क्या हुआ यार, क्या बात है? आज क्लास नहीं गए तुम लोग? अब हम लोग कोची में ज्यादा दिन नहीं रह सकते हैं। 3 हफ्तों से हम क्लास भी नहीं गए। वो पॉलिटेक्निक तक आया और हम लोगों को मारा। किसने? अथम कलम के डैनी ने। विरोनिका, उनके स्केच बनाओ।
आज तो डैनी का बैंड बज जाएगा, टिटेगा, खूब मार खाएगा आज वो कमीना। डॉन, देख मुझे कुछ मत करना, मैंने उन्हें अरुण के कहने पर ही मारा था। मेरे दोस्त यहाँ अरुण के कुत्तों से पिटने के लिए नहीं पैदा हुए। आज के बाद तू उनके साये से भी दूर रहेगा और अब से तेरी जिंदगी अरुण की काल कोठरी में गुजरेगी। तू मुझे कोची में नजर नहीं आना चाहिए। मैसे जी, कंपनी पत्थम कलम की तरह नहीं है। आनंद और जॉन हमारे दोस्त ही नहीं, भाई हैं। अगर उन्हें छुआ तो जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। एक बोट आ रही है। ये तो हमारे डॉन की बोट है। कोटेशन, सब मुर्दे थे साले, एक नहीं दस नहीं लेकिन सैकड़ों थे, पर जो हमने किया वो हमारे लिए नहीं था बल्कि उनके लिए था जो एरोन की दरिंदगी का शिकार हुए, उनके दुखों के लिए जिसे वो खुलकर बयान भी नहीं कर सकते, उन गुनाहों के लिए जिन्हें बताया भी नहीं जा सकता। हम सड़कों पर उतर आए। भैया, ये टेरेसा थॉमस है, मैंने इनकी फाइल पढ़ी है। अब उस सुअर का समय हो गया है, सीधे आईसीयू में डालना चाहिए। मुझे और मेरे अपाहिज बेटे को तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए, या तो उसे मर जाना चाहिए। कौन है वो? जतिन पटेल, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंफ्रा सॉल्यूशन। अगर वो एमडी है तो भी उसकी उम्र इनके बेटे जितनी ही होगी, इसलिए जब उसने बुलाया तो ये फाइल के साथ उसके फ्लैट में गई। उसने नशीला जूस या इन्होंने पी लिया। आपके बेटे का नाम क्या है? डॉन, डॉन थॉमस। डॉन, बचपन में ही उसे पोलियो हो गया था। तुम्हारी भी एक माँ है, उसका अगला शिकार शायद। डॉन थॉमस की माँ जा सकती है, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, आपके दुख जरूर दूर करूंगा। उसके लिए मुझे पैसे नहीं चाहिए, बेफिक्री से जाइए। मैसी, सुनो बहन, हम घर पर आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं सिस्टर? ओके असीम, बताता हूँ। भैया, जतिन के बारे में है। असीम, अजीम। जैसा कि तुमने कहा, मैंने कोई डील नहीं की है। मुझे नहीं पता किसका कोटेशन है, लेकिन जिसकी भी हो मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसे दूंगा। भरोसा करो मेरा, छोड़ दो मुझे, मेरी बात मानो प्लीज। एक और शब्द नहीं, तुझे तो एक माँ में भी सेक्स नजर आता है साले,
ये एक बेटे की कोटेशन है जिसकी माँ को तूने बर्बाद किया। बेटे का नाम है डॉन थॉमस और माँ का नाम है टेरेसा थॉमस। मेरा नाम है डॉन, डॉन दावेद। नहीं नहीं, टीचर मार्टी और उसकी बोट नहीं आई। बोट अब नहीं आया करेगी, दिन में लोन वाले आए और उसे ले गए। तब तो मार्टी का सौतेला बाप उसको घर से बाहर निकाल देगा पक्का। ये बात तो डॉन को बतानी होगी। हाँ, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। जॉन तो उसको फोन लगाया। हाँ। जरूरत नहीं है जॉन, पथम कलम वाले बोट ले गए हैं, उसे पता नहीं चलना चाहिए। हेलो, क्या बात है आनंद? अपने मार्टी की बोट पत्थम कलम के लोगों ने हथिया ली। जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो डॉन वो सड़क पे आ जाएगी। मार्टी कहाँ है अभी? मैं नहीं जानता कहाँ है। ये लो तुम्हारी चाबियां, मैंने सीसी को सेटल कर दिया। चलो उतरो। ये कौन सी जगह है? पिछले साल तक तो ये बार था, सोलोमन स्विंग है। मगर उससे पहले मेरे पिता यहां रहा करते थे। लाइसेंस कैंसिल हो गया, सोलोमन भाई ने इसे बंद कर दिया। इस टूटी फूटी बिल्डिंग को मैंने खरीद लिया था। अब ये एक डॉन नाम के आदमी का घर है। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो यहां रह सकती हो, तुम्हें यहां से कोई नहीं निकालेगा। मार्टी को उधार की जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं, तुम इस बड़ी दुनिया में रहने के लिए बनी हो। मार्टी, देखो खतरों की तनख्वाह मौत होती है, और मुझे तो उसके साथ इंटरेस्ट भी मिलता है और मैं उसके लिए तैयार हूं। सिर्फ मैं ही नहीं, अगर तुम्हें ठीक लगे तो हम साथ रह सकते हैं। सोच के जवाब देना।
भैया मेरे पास पत्थम कलम के बारे में खबर है। खबरी कौन था? सीआई सोमा शेखरन की बेटी अम्मू। उसे लगता है कि उसकी माँ ने आत्महत्या की क्योंकि वो अपने पति का अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो अपने पिता से नफरत करती है। भैया सोमा इडुकी से सोना लेकर कोची आ रहा है। अम्मू कह रही है कि वो ये नहीं जानती कि वो ये कैसे करने वाला है। तू क्या समझता है तो उससे बात मनवाने के लिए पुलिस उससे भीख मांगेगी? तो ये तेरी भूल है। पत्थम कलाम या हमारे सामने सिर उठाया तो तू एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगा, समझे? जिसे तूने सुबह देखा वो पत्थम कलाम अरुण नहीं था। अमू सोम शेखरन। तुम्हें पता है ना ये क्या है? इडुकी गोल्ड। नहीं नहीं, स्मोकिंग गोल्ड है ये। मुझे एक सिगरेट दो प्लीज प्लीज। जरूर दूंगा। पापा ने क्या कहा था माँ से फोन पर? उन्होंने तुम अपने पापा को धोखा नहीं दे रही हो, वो तुम्हारी माँ का कातिल है। उन्होंने कहा था कि कल फसल का सौदा हो जाएगा, मैं यहाँ पहाड़ों से चलूंगा, चैनल वालों को पता नहीं चलना चाहिए, पिताजी ने यही सब कहा था। सोम शेखरन। मेहुल तुमने सुना अमू ने क्या कहा? चैनल के लोगों से बचकर रहना। जॉन, जो मिर्च की जलन तुमने सही है, आज उसे भी वही जलन मिलनी चाहिए। उसको छोड़ना मत, सुअर का बच्चा बचना नहीं चाहिए। ए, तुम यहां क्यों आई हो? और तू कौन है? सोम शेखरन, पहचान लिया ना मुझे? हुआ? प्रेस वेयरहाउस तो नहीं पहुंची? बचपन में हम नींद से जाग जाया करते थे और रोते थे, याद है ना तुम्हें? कार के अंदर सोम शेखर की बॉडी जल रही है। किसने किया ये? पता नहीं, शायद उसने ही किया है। भैया क्या हो गया? तो कुछ बोलता क्यों नहीं? बोध जेटी के सेमिनार में अपने आनंद और जॉन मारे गए। बदले के लिए बदला, एक जिंदगी के लिए एक जिंदगी, एक कबर के लिए कबर, दो जिंदगियां। पत्ता हमने अपने लिए दो कबरें खो दी हैं। ये
इस धरती पर अगर हर कोई मेरे खिलाफ भी हो जाए तब भी मेरा दिल डर से नहीं हिलेगा। मेसी, गाड़ी निकालो। जॉन और आनंद के घर किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। हमें सब कुछ करना होगा। होटल ड्रीम्स में रूबन और उसकी गैंग पार्टी मना रही है। भैया, रूबन हमारे साथ कोई भी चाल चल सकता है, संभल के रहिएगा। दुनिया में माफ करने से बड़ा कोई हथियार नहीं। दुश्मन के मुंह के सामने मैं झूठ नहीं बोल सकता कि मैंने उसे माफ कर दिया। ये मेरे खून में है। मेरे खून में है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। कोई जन से ही खूनी नहीं होता। जिसने माफ करना ना सीखा हो दुनिया में उसने एक छोटी सी गलती आम आदमी से भी हुई थी। भगवान तक ने माफ नहीं किया उसे। कौन से भगवान का उदाहरण याद करूं? उनका जो क्रोध आने पर श्राप दे देते हैं, या उनका जिनकी पूजा ना करो तो पापी कहलाते हैं? माटी भगवान के नाम पर मुझे डराना बंद करो। अभी मुझे अपने सामने वो दो दोस्त नजर आ रहे हैं जो मेरी वजह से मारे गए हैं, मेरे अपने जॉन और आनंद। तुम चाहे कहीं के भी डॉन हो, लेकिन तुम रूबन के हाथों से नहीं बच सकते। समझे मेरी बात? वैसे तुम्हारा गैंग कहाँ है? तुम सभी के ताबूतों पर रूबन ही कील गाड़ेगा। मुझे पता था तू इस गली में मेरा पीछा करता हुआ जरूर आएगा। मेरा स्केच और मेरा हिसाब कभी गलत नहीं होता। तेरे लिए यह मेरी आखिरी प्रेयर है। मेया कुर्बा, मेया कुर्बा, मेया मैक्सी कुर्बा। मेरे भाई के कमर में उसने छुरा घोंप के मार दिया। कमीनों ने पीठ पर वार किया हमारे भाई के। जल्दी किस बात की है? हमें क्या करना है इसका फैसला अब्बा जी करेंगे।
तब तक तुम लोग डॉन के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाओगे। प्लीज कॉम्प्रोमाइज। डी कंपनी के हिसाब से ही चलेगी। पथाम कलम के रास्ते ही चलेगा। नहीं अब्बा जी, उस सुअर के साथ कॉम्प्रोमाइज करने से अच्छा है कि हम सब मर जाए। खलास अब्बा जी, अभी सिर्फ रूबन को मारा है, हम सभी अभी यहाँ मौजूद हैं, इसी कोची में। अब्बा जी, वी नो व्हाट टू डू। अरे बच्चों, कहाँ जा रहे हो? अब्बा जी क्या कह रहे हैं, सुनो तो सही प्लीज। सेतो, क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी मैं पथाम कलम का मुखिया? हाँ बजी, इसमें कोई शक नहीं, जो जाना चाहते हैं उसे जाने दीजिए, हम आपके साथ मरते दम तक हैं। सेतु, मैं डॉन से बात करना चाहूंगा, जगह और समय तुम देख लेना, मीटिंग फिक्स करो। ओके बजी। कॉम्प्रोमाइज? कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, हमें मछली को जाल में फंसाने के लिए दाना तो डालना ही होगा। यही तो डी कंपनी की जरूरत है। वो तब भी नहीं मरेगा निकोल। मरने को बचा क्या है, वो तो ऐसे ही मरा हुआ है। रबिया, वो यहाँ पर खून खराबे के लिए नहीं, शांति के लिए आए हैं। डॉन कहता है कि अब्बा जी मिलने आएंगे, हम उन्हें लेके आएंगे। तुम हमारे भैया को नहीं जानते, वो असली डॉन है। अगर मैसी कह रहा है डॉन सुनेगा और जरूर मानेगा, पक्का। समय और जगह मैसी हमें बता देगा। अगर अब्बा जी जोर दे रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर अब्बा जी जोर दे रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? जहाँ वो उन्हें बुलाएगा वहाँ तो उन्हें जाना ही पड़ेगा। मैसी, मेरी जगह तुम जाओगे। तुमने कहा या मैंने, एक ही बात है। मैंने डॉन से बात कर ली है, वो मुलाकात के लिए तैयार है, लेकिन धोखा देने की प्लानिंग मत करना। जगह डॉन डिसाइड करेगा। कार में अब्बा के साथ बैठते ही मुझे इन्फॉर्म करना। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। डॉन की कार यहाँ खड़ी है अब्बा जी। उन्होंने कहा था कि तालाब के पास हमारा इंतजार करेंगे। मैं अकेले ही जाऊंगा। अकेले जाना ये जरूरी है क्या? बहुत हुआ, हमें अच्छे से दुश्मन की ताकत का पता लगाना चाहिए, तब उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। मैं उससे बात कर लूंगा। अब्बा जी संभलना, अंधेरा है। डॉन बॉस्को, तुम वाकई मर्द हो, मान गया तुम्हें। जिंदगी के साथ उन्होंने जंग खेली, यानी मेरे पिता, तुम्हारे पिता और मैं, यही गलती हो गई। तुम्हें ज्यादा नुकसान हुआ और तुमने तकलीफें सही, हम यहाँ सब कुछ खत्म कर देंगे। मैं और मेरे बच्चे इस शहर से दूर चले जाएंगे। मैं जबान देता हूँ, तुम मेरा भरोसा कर सकते हो, इसराइल चले जाएंगे। अब से ये शहर तुम्हारा हुआ। मैं तुम्हें जबान देता हूँ, मेरा विश्वास करो। भैया, मस्तान सेठ और अब्बा जी मारे गए। सब लोग कह रहे हैं कि डॉन ने उन्हें मारा। कंपनी के बॉयज, वो सब ठीक है। निकोल? यस। मैसी कहाँ है? वो तो कल ही चला गया भैया, और फोन भी नहीं लग रहा। वो भी आउट ऑफ रेंज है क्या? हाँ।
अरुण, अब्बा जी के मरने के बाद तुम ही उनकी जगह संभाल रहे हो। अब डॉन हमें हरा ना पाए। उसी ने हमारे अब्बा जी को मारा है। मैसी ने डैनी को सब बता दिया है। मैसी झूठ नहीं बोलेगा। उसे माफ मत करना। खलास। तुम मुझसे इतने दूर चले गए थे कि मेरा फोन नहीं लग रहा था, है ना? तुम्हें पता है मैसी के क्या हुआ है? सिर्फ तुम जानते हो। बताओ, अब्बा को किसने मारा है? भैया, जिसने भी मारा हो, दुश्मन तो खत्म हो गया। प्रथम कलम का हेड खत्म हो गया। जुडस के मरने में ही टी कंपनी की भलाई है भैया, क्यों है ना? इसी तरह सेटन और एसेट के बेटे उसे खत्म करते। लेकिन हर काम करने के कुछ तौर तरीके होते हैं मैसी। हमने उसे समझौते के लिए बुलाया था। हमें अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं। कहते हैं जो काम शांति से हो वो काम अच्छा होता है, पर वो बुढ़ा बेचारा बदनसीब था। हम परेशान क्यों? मैं नहीं चाहता कि इतिहास में मेरा नाम धोखेबाजों में शामिल हो। बता बता, अब्बा को किसने मारा है? अरुण। अरुण। हाँ अरुण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ कैसे, यही ना, तुमने उसके सामने सब कुछ सरेंडर करने का फैसला ले लिया। उस समय मुझे पता नहीं था कि वो एग्रीमेंट क्या है। अरुण, सुन लिया? मैंने सब सुन लिया है। जब एक बार आदमी के अंदर डर घुस जाता है तब वो जिंदा लाश होता है। अरुण, खलास। अरुण, ये तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं देखा, अपनी आंखें बंद करो सेठ। गैंग में ना कोई बाप होता है ना बेटा। इसके बाद अब तुम टी कंपनी में नहीं, पत्ताम कलाम में हो। अरुण को हमेशा नए दोस्त बनाना अच्छा लगता है, डॉन से भी बड़ा एक डॉन। लेकिन तुम्हें कोची के डॉन को खत्म करना होगा, याद रहे। और सुन, दुनिया को सिर्फ ये पता चले कि डॉन ने अब्बा को मारा है, मैंने नहीं। और सेतु को भी, ना तूने मारा है ना मैंने। ये राज राज ही रहे तो अच्छा है, तुम्हें इसका पूरा फायदा होगा। ये इस अरुण का वादा है। ये सब अरुण ने किया, मैंने नहीं। जो कुछ भी हुआ है अब पत्थम कलम का खेल खत्म। नहीं वेरोनिका, असली खेल अब शुरू हुआ है। अब बारी एरॉन की है। उसने सबको यह जताया कि अब्बा को मैंने मारा है, अब्बा के लिए, और जिसने अब्बा को मारा उसके लिए उसने मेरे खिलाफ गेम खेला। सब मरने चाहिए, एक भी नहीं बचना चाहिए उस गैंग में। उस सेमिनरी में एक दोस्त और बचा है उसका, सक्रिय सैमुएल। सक्रिय सैमुएल, हमारे डर से उसकी माँ उसे बेंगलोर के सेमिनरी में भेज रही है। कल सुबह वो जेट्टी पर पहुंचेगा, ये मौका छूटना नहीं चाहिए। मेरे बेटे, तुम्हारी भलाई के लिए हम सब लोगों ने मिलकर ये फैसला लिया है। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि डॉन क्यों नहीं आया। वो आएगा, डॉन आलुवा स्टेशन में जरूर आएगा। अगर यहाँ आता तो पहचाना जाता। तुम अपना सफर मत रोको, हम यहाँ से ऑटो ले लेंगे, वो हमें पहचान नहीं पाएंगे। मैं भी साथ चलूंगी। अरुण, ऑटो के पीछे वेलन कानी लिखा है, मार्टी को मिला के वो तीन लोग हैं। ओके। अमीरा, ऑटो में सिर्फ सक्रिया नहीं, मार्टी भी है, उसकी गर्लफ्रेंड।
दोनों ही उसके प्यारे हैं। डॉन को फोन लगाओ और बताओ उसे भी पता चले जिस ऑटो में वो पथाम कलाम गए हैं उनके पीछे पथाम कलाम वेनिसा भी आ रही है। भैया हाँ? जिस ऑटो में सक्रिय और माटी गए हैं उसका पीछा अरुण की बहन कर रही है। माटी को फोन लगाओ। भाई उसका फोन स्विच ऑफ है। डॉन वेनेसा के ऑटो के पीछे वेलन का ने लिखा है और उसके साथ सिर्फ ड्राइवर है। एक ही रास्ते पर एक ही नाम के दो ऑटो यानी दो विलंकनी। वो सिर्फ गलत ऑटो का पीछा करे वो ऑटो के आगे रुकेगा और उसके पेट में चाकू घोंप देगा। यही तो उसका स्टाइल है। खत्म करने दो अपने दोस्त और अपने गर्लफ्रेंड को। खत्म करने दो उन्हें उसके हाथों ही मरने दो। खलास। अगर गर्लफ्रेंड मरती है तो दूसरी मिलती है लेकिन माँ मरती है तो कभी दूसरी माँ नहीं मिलती। एक फोन टॉन की माँ को रोड पर ले आया। हेलो टॉन को मारने के लिए मैंने ऑटो में निकली है। मैंने अपनी माँ को अपने हाथों से मार डाला। मुझे माफी नहीं मिल सकती। डॉन एंजल का मरना खाली नहीं किया।
तुम्हारा शैतान उसके साथ मरा है। अब मेरे हाथों में उसका खून है, एरोन की बेरहमियों के खून के धब्बे। उसने जानबूझ के ऐसा किया नहीं, उसने अपनी मौत को बुलाया है। ये बाजी तो मैं जीत गया, अब कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। मैसी को बताओ, डॉन वहां आना चाहिए जहां अरुण बताएगा, और एकदम अकेले आना चाहिए। मैसी डॉन को वहीं लाएगा जो जगह हम बताएंगे, आप जगह बताओ। दो फ्रेंड्स, दो कब्रों के लिए जगह होनी चाहिए, डॉन और मैसी। मेटल बॉक्स वहां आने के लिए बोल दो। डॉन आ जाएगा। ओके, जॉकर गेट क्रॉस कर लिया उसने, और कोई है उसके साथ में? गुड जॉब मैसी। वेलकम वेलकम डॉन, नहीं कोची के होली डॉन। मैं एक मैटरसन हूँ जिसने अपनी माँ को मारा है। तेरा बॉस कहाँ है? बुला अपने बॉस को, बुला उस जानवर को जिसकी वजह से मैंने अपराध किया। नहीं रुको, दुनिया का सबसे गिरा हुआ इंसान है। आज मैं पत्तम कलाम को जड़ से उखाड़ दूंगा, मगर उससे पहले मेरी बात को ध्यान से सुन। उस दिन ग्राउंड पर मैसी को मैंने अपने जासूस के तौर पर तेरे पास भेजा था। अगर तेरे शरीर से खून का एक एक कतरा भी निकल जाए ना, तो मेरे माँ के बहे खून की बराबरी नहीं कर सकता। मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूं। मैसी, आज के बाद ये तुम्हारे पास रहेगी। डी कंपनी की सारी जिम्मेदारी आज के बाद तुम संभालोगे। तुम हो नए डॉन। डॉन, मुझे जाना होगा अस्पताल में। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि बाकी की जिंदगी मैं सिर्फ शांति से उसका बेटा बनकर बिताऊंगा। अब वक्त आ गया है, चलता हूँ।
और अमीरा ने अपनी पहचान बदल ली है और अब वो एक डील करने जा रही हैं।